नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं। आपने सुना ही होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कितने तरह के टैक्स होंगे और कौन सी टैक्स की क्रेडिट आप किसके सामने एडजस्ट कर पाएंगे, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। बड़ी ही छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इन सब टैक्स के बारे में और कौन सी टैक्स की क्रेडिट आप किस टैक्स के सामने ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले कि कितने प्रकार की जीएसटी में टैक्स लगेंगे और इनके मतलब क्या होगा। सबसे पहले आपको लगेगा सीजीएसटी। अगर आप राज्य के अंदर अंदर माल बेच रहे हैं तो आपको सीजीएसटी लगेगा और साथ ही साथ लगेगा एसजीएसटी। अगर आपकी रेट 18% है जीएसटी की तो फिर सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। उसके बाद में आता है अपना आईजीएसटी। अगर आप राज्य के बाहर माल बेच रहे हैं तो फिर आपको लगेगा आईजीएसटी। फिर बाद में आता है यूटीजीएसटी। अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर अंदर माल बिक रहा है तो फिर उसमें लगेगा UTGST। इसके बाद में एक उदाहरण भी आ रहा है जिसके अंदर आपको ये फिगर्स के साथ आपको जानने मिलेगा कि किस तरह से किसमें कितना टैक्स लगेगा। यूनियन टेरिटरी के अंदर मतलब अगर आप अंडमान में हैं और अंडमान के अंदर अंदर अगर आप माल बेच रहे हैं उस केस में आपको UTGST लगाना है। उसके बाद में कुछ कंपेंसेशन सेस है जिसके अंदर अगर वो राज्य के अंदर माल बेचे या फिर राज्य के बाहर माल बेचे उसको कंपेंसेशन सेस लगाना है। कंपेंसेशन सेस किसके ऊपर है, जैसे कि सिगरेट, सिगार, इसकी भी पूरी लिस्ट दी गई है, उसके अंदर पूरी रेट दी गई है। उसके बाद में हम आप उदाहरण देखते हैं कि कब सीजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा और यूटीजीएसटी लगेगा। अगर आप समझ लीजिए आप मुंबई से मुंबई में ही माल बेच रहे हैं, मतलब मुंबई में कहीं पे भी महाराष्ट्र में अगर आप माल बेच रहे हैं और माल की कीमत 100 रुपए की है तो उसके ऊपर आपको सीजीएसटी लगाना है। अगर उस माल पे जीएसटी रेट 18% का है तो उसके ऊपर सीजीएसटी लगाना है 9%, तो 9 रुपए हुए। एसजीएसटी लगाना है 9%, तो 9 रुपए हुए। टोटल 118 रुपए आपको कस्टमर से कलेक्ट करने। अगर आप माल बेच रहे हैं मुंबई से चेन्नई, इसका मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो आपको सेल प्राइस लगानी 100 रुपए और आईजीएसटी लगाना है 18% पे 18 रुपए, उसमें भी टोटल आपको कस्टमर 118 रुपए देगा। बाद में अगर आप दमन में ही हैं और दमन में ही माल बेच रहे हैं तो 100 रुपए और यूटीजीएसटी लगाएंगे आप 18%, जो कि ये 18 रुपए, तो होगा 118 रुपए। और आप दमन से अंडमान माल बेच रहे हैं, इसका मतलब एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में माल बेच रहे हैं, तो आपको आईजीएसटी लगाना है 18% का, उसमें भी आप कलेक्ट करेंगे टोटल 118 रुपए कस्टमर से। ये हुई उदाहरण की बात। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक की क्रेडिट दूसरे के क्रेडिट के सामने सेटअप कर सकते हो और किसकी क्रेडिट किसके सामने नहीं जाएगी। सबसे पहले आता है कि आपको अगर आईजीएसटी पे करना है तो उसके लिए आप कौन कौन से जीएसटी के टैक्स की क्रेडिट ले सकते हैं। सबसे पहले आप अगर आईजीएसटी पे करना है और अगर आपके पास आईजीएसटी की क्रेडिट बढ़ी हुई है तो आप उसकी क्रेडिट यूज कर सकते हैं। उसके बाद में सीजीएसटी की क्रेडिट है तो वो, एसजीएसटी की क्रेडिट, और उसके बाद में यूटीजीएसटी की क्रेडिट अगर पड़ी है तो आप आईजीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में भी अगर आपका आईजीएसटी का पेमेंट बाकी रहता है तो फिर कैश में कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सीजीएसटी। अगर आपको सीजीएसटी का पेमेंट करना है तो आप सीजीएसटी की क्रेडिट यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आईजीएसटी की क्रेडिट यूज कर सकते हैं। इस केस में आप एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की क्रेडिट इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा आता है हमारे पास एसजीएसटी। एसजीएसटी में भी आप खाली एसजीएसटी की क्रेडिट यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ आईजीएसटी की क्रेडिट यूज कर सकते हैं, और कोई दूसरी क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। यूटीजीएसटी में आप यूटीजीएसटी की क्रेडिट यूज कर सकते हैं और आईजीएसटी की क्रेडिट यूज कर सकते हैं, दूसरे और किसी की क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने बिजनेस ग्रुप में, और कमेंट करें। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई क्वेरी रह जाती हो और अगर कोई दूसरे मैटर में भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर हमारे फिनबस के फेसबुक पेज पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।